नमस्कार मित्रों, अत्यारना ताजा ने अगत्यना समाचार वावाजोडू अने गुजरात मां जाहेरात मोटो निर्णय मफत जेवा समाचार जाणता पहला तमे जो चैनल मां नवा हो तो खास मित्रों अपनी चैनल ने फटाफट सब्सक्राइब करी लेजो, कारण के रोजना ताजा अने उपयोगी एवा समाचार समयसर अमे आखो दिवस तमने पहोंचाडता रहीशुं। वीडियो गमे तो लाइक करी देजो अने वधु ने वधु तमारा मित्रों ने मोकली आपजो। आज थी थशे मोटा फेरफारो, ए जाणो तमारा किस्सा पर केटली असर थशे। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलिंडर की किमत में 100 रुपया घटाड़ो करायो तो पंजाब नेशनल बैंक केवाईसी अपडेट की अंतिम तारीख आज थी पूरी थी गई है। आज थी राष्ट्रीय पेंशन योजना हेठ खातु खोलावा पर कमीशन हाजरी ना समय चुकवामां आवशे अने जो तमे यमुना एक्सप्रेस वे थी दिल्ली आवो छो तो तमारे वधु टोल टेक्स चुकवो पड़शे। त्यारबाद गुजरात सरकार की मफत की जाहरात। आरोग्य मंत्री ऋषिकेश पटेले डायलिसिस अंगे महत्व की जाहरात करी थी और जणाव्युं हतुं कि आगामी एक महीना में दर्दी राज्य तमाम तालुका में डायलिसिस करी शके ए प्रकार की व्यवस्था गोठवा जई रह्या छे। हाल 160 तालुका में डायलिसिस सेंटर नहीं, जेथी आ काम आगामी समय टूंक समय पूर्ण थाय ते माटे राज्य सरकार आगळ वधी रही छे। आगळना समाचार, सोनाना भाव में भारे थयो घटाड़ो। सोना चांदी भाव में सतत घटाड़ो थई रह्यो छे, त्यारे सोनू घटीने 50,000 नी नजीक आवी गयु छे। बुलेटिन मार्केट में 24 कैरेट सोनू 787 रुपया सस्तु थईने 50,401 रुपया प्रति 10 ग्राम थई गयु छे, जेनी अत्यार सुधी में सौथी ऊंची किंमत करता 5,000 रुपया सस्तु छे। ऑगस्ट 2020 में सोनू 55,400 रुपया प्रति 10 ग्राम सर्वकालीन ऊंची सपाटीए पहुंची गयु हतु। गुजरात में महत्वनो निर्णय अने मफत। सूरत महानगरपालिकाए सूरतवासीओ माटे महत्वनो निर्णय कर्यो छे अने महानगरपालिकाए आजथी सूरतवासीओ माटे एक महीनो बस सेवा फ्री करी छे। सूरत मनी मार्केटनो उपयोग करनार लोको माटे फ्री सेवा जाहेर करवामां आवी छे। मनीकाठी टैप करीने मुसाफरी करनार एक पण रुपियो चूकवो नहीं पड़े। आजथी 30 सप्टेम्बर सुधी सूरत मनीकार्ड अने सिटीलिंक मोबाइल एप द्वारा टिकीट बुकिंग करनारने टिकीटमां 100% राहत अपाशे। ત્યારબાદ ઓગસ્ટ 2022માં અત્યાર સુધીનું સૌથી શક્તિશાળી તોફાન વાવાઝોડું આવ્યું છે અને તેનું નામ હિન મનોર છે, જેની સ્પીડ 313 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે। તેના તરંગોની ઊંચાઈ 15 મીટર સુધીની હોઈ શકે છે। ચીન અને જાપાન આનાથી સૌથી વધુ જોખમમાં છે। આ તોફાન પૂર્વ ચીન સમુદ્ર અને જાપાનના દક્ષિણમાં વધુ નુકસાન કરી શકે છે। 70 વર્ષના ઇતિહાસમાં આવા તોફાન 1961 અને 1997માં આવ્યા હતા, પરંતુ આટલા જોરદાર ન હતા।